हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ बनाना पील्स का ड्राई फर्टिलाइज़र। ये थे फ्रेश केले के छिलके जिनको हमने ड्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। सब्जी के लिए जो हम लोग ग्रीन वाले केले लेते हैं, ये उन्हीं के छिलके हैं, तो इनको भी हमने अच्छे से सुखा लिया है। के छिलकों को आप तेज़ धूप में ही सुखाएं, जैसे कि मई की जो धूप होती है वो बहुत ही अच्छी धूप होती है, तो उस टाइम में आप अगर सुखाएंगे या ऐसी धूप में सुखाएं कि ये बहुत ही जल्दी सूख के ड्राई हो जाए, इनमें फंगस ना लगे। तो आप देख सकते हैं हमारे ये जो केले के छिलके हैं इनमें कहीं भी फंगस नहीं लगा हुआ है। अगर इसमें फंगस लग जाएगा तो आपका जो प्लांट है उस प्लांट में और प्लांट की जो जड़ें हैं उनमें भी फंगस लगने का काफ़ी डर रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि तेज़ धूप में ही सुखाएं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं। आप देख सकते हैं इनको अगर हम क्रश करना चाहें तो ये क्रश भी हो जाएंगे। तो इस तरह से क्रश करके ही हमको इनका यूज करना है। और ये जो हमारे पास है केले के छिलके, इनको भी हम इस तरह से क्रश कर लेंगे और क्रश करके ही इनका भी हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे। और अभी आपको बनाकर दिखाते हैं। केले के छिलकों को आप इस तरह से बेलन से भी क्रश कर सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से आप जो क्रश करेंगे तो आपके जो छिलके हैं वो बहुत ही जल्दी क्रश हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमने दोनों ही बनाना पील्स को क्रश कर लिया है। इस फर्टिलाइज़र को डालने का सही तरीका क्या है ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ये प्लांट लगा हुआ है। किसी भी प्लांट में आप इसको लगा सकते हैं। तो गमले की जो मिट्टी होती है इसको आप थोड़ा सा पहले सॉफ्ट कर लें, गुड़ाई करके सॉफ्ट कर लें, फिर उसके बाद इसको आप इस तरह से मिट्टी को थोड़ा सा हटा लें। और मिट्टी को हटाने के बाद इसको आप एक चम्मच, इस तरह से आप एक चम्मच डाल सकते हैं इसमें, और मिट्टी से कवर कर दें। और इसमें अब आप पानी डाल दें। तो ये कुछ ही दिनों में आपके प्लांट पर इतना अच्छा काम करेगा कि अगर आपका प्लांट फूलों का प्लांट है अगर आपका, तो उस पर भी ये बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी आपके प्लांट में। फ्रूट का अगर आपका प्लांट है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होने लगेगी। जो पके हुए केले के छिलके थे उनको हमने क्रश कर लिया है, तो इनको भी हम इसी तरह से डालेंगे, मिट्टी को हटा लेंगे और इनको डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देंगे इस तरह से, और इसको दबा देंगे इसी तरह से, और इसमें पानी डालते रहेंगे। तो जो फ्रेश बनाना पील्स का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो कभी भूल कर भी अपने प्लांट में नहीं डालना चाहिए। जो फ्रेश बनाना पील्स का हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र हम लोग बनाकर डालते हैं, उस बनाना पील्स को डालने से हमारे जो प्लांट हैं इनमें फंगस लग जाती है और इनकी जो जड़ें हैं वो भी गलने लगती हैं फंगस की वजह से। तो इस बात का ध्यान रखें, जो फ्रेश बनाना पील्स के जो फर्टिलाइज़र है वो कभी भी ना डालें। अगर आप डालते हैं तो बरसात में भूल कर भी ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। अगर बरसात में आप फ्रेश बनाना पील्स की जो फर्टिलाइज़र है वो अगर आप डालते हैं, फंगस के अटैक में आकर बिल्कुल ही आपका प्लांट जो है वो मर जाएगा। बारिश के मौसम में तो आप बिल्कुल भी जो फ्रेश बनाना पील्स का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो कभी भूल कर भी ना डालें, उससे आपका जो प्लांट बिल्कुल गल जाएगा। ये जो ड्राई फॉर्म में बनाना पील्स जो हैं इनको आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। एक लीटर पानी में आप दो केले के छिलके लेकर उनको भिगो दें 24 घंटे के लिए, और वो पानी आप अपने गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं, तो वो उतना नुकसान नहीं करता है जितना फ्रेश बनाना पील का जो हम लोग फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो ज़्यादा नुकसान करता है। ड्राई फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र है इसको आप डाल सकते हैं, और बनाना पील का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है इसका स्प्रे भी हमें अपने प्लांट पे नहीं करना चाहिए। इसका अगर आप स्प्रे अपने प्लांट पे कर देंगे तो आपके प्लांट के जो पत्तियाँ हैं उनमें फंगस लग सकता है और चींटियों का भी अटैक हो सकता है, और उसमें मक्खियाँ भी बहुत ही ज़्यादा आएंगी जिस कारण आपका जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है, सूख सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बनाना पील्स का स्प्रे अपने प्लांट पर नहीं करना है। आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।
फिर मिलते हैं इसी तरह के एक यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।